नमस्ते बहनों और भाइयों, आज हम हेल्थ और वेल्थ की सौगात लेकर आए हैं। याद रहे, स्वस्थ काया स्वस्थ शरीर मनुष्य की शक्ति है। जो इस पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति है। आज हमारे साथ हैं हेल्थ इंडस्ट्री और फाइनेंशियल मार्केट्स के सितारे, बल्कि मैं तो कहूंगा दो कामयाब सितारे। ईच वन इज सक्सेसफुल इन हिज डोमेन। यस, इट्स अ सक्सेस दे ट्रूली डिजर्व, इट्स एन अचीवमेंट दे हैव ट्रूली अर्न्ड। जी हाँ बहनों और भाइयों, हेल्दी और वेल्दी जिंदगी के ये दो सितारे डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी और स्टॉक मार्केट ट्रेडर ट्रेनर और मेंटर अवधूत साठे। हेल्थ और वेल्थ कामयाब जिंदगी के दो पहिए हैं बहन और भाइयों। यही दो पहिए हैं, अगर मजबूत रहे ना तो जिंदगी संवर जाती है। इन दो पहियों को कैसे हम और मजबूत कर सकते हैं, इस पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे आज के ये दो सेलिब्रिटी स्पीकर्स। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स वेलकम दीज टू वंडरफुल स्पीकर्स, फेमस नॉट ओनली नेशन वाइड बट वर्ल्ड वाइड, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी एंड अवधूत साठे। डॉक्टर साहब, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल स्टार्ट एंड वंडरफुल वेलकम। थैंक यू, थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार अवधूत सर। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो आदत है आप इंट्रोड्यूस कराते ही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने प्रमोद त्रिपाठी जी को आज इंट्रोड्यूस कराया है, एंड दिस इज सच अ वंडरफुल फीलिंग टुडे। यू नो, मैं कहूंगा क्योंकि हमारे प्रसाद परोड़ेकर की हेल्थ वापस ट्रैक में आने में डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी का बहुत हाथ है, और आई एम रियली ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल प्रमोद जी, ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू। उसकी मेहनत भी है, उसकी फैमिली का साथ भी है। Yes. सब कुछ, पूरी हमारी टीम भी है, 200 लोगों की, सब मिलके काम हुआ है। सो बट वी आर हैप्पी, खुशी है कि आपका एक जो मेन पिलर है प्रसाद परोलेकर, वो अभी सही में मुक्ति का अनुभव ले रहे हैं। Yes. रिवर्सल क्या है वो चख रहे हैं, और उनको देख के बाकी आपका स्टाफ इंस्पायर हो रहा है। दैट्स रियली नाइस, बहुत बढ़िया है। यस ऋषि जी, तो आज का विषय या आज हम ये बिल्कुल अनोखा इवेंट कर रहे हैं लाखों करोड़ों श्रोताओं के लिए, देश में ही नहीं विदेश से भी लोग देखेंगे कि हेल्थ जो कि बहुत बड़ी नेमत है और वेल्थ हर किसी को चाहिए, ये दोनों साथ साथ मजबूती से कैसे चल सकता है, इस पर आप और डॉक्टर साहब रोशनी डालें। ये बहुत आज की जरूरत है। ये बिल्कुल जी, तो कैसे करें शुरुआत? पहले हेल्थ की बात करते हैं, फिर अब्दुल सर आएंगे। अब्दुल सर इज अ वंडरफुल स्पीकर, वो कहीं से भी जूम से उठ जाते हैं। I know, and he can keep an audience engrossed for a full day till the end of the day and keep them really charged. उनको पकड़ के रखते हैं अच्छे से और बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमने काफी सुना उनके बारे में। तो सुबह 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 9 बजे से रात को 1 बजे तक, क्या बात है, ग्रीन नहीं ये गिनेस रिकॉर्ड अगर होल्ड किया ना तो अब्दुल सर का गिनेस रिकॉर्ड होगा ये। तो उनकी भी हेल्थ जबरदस्त है ऑलरेडी, तो उनके उनको भी आज हेल्थ के बारे में बोलने के लिए लगाएंगे, उनके हेल्थ के बारे में। मेरे हेल्थ के बारे में जरूर बोलूंगा, मेरे हेल्थ के पीछे राज है मेरी बीवी। हाय हाय, क्या बात है, अमेजिंग। शी कीप्स मी हेल्दी एंड फिट। या चलो अच्छी बात। यस प्रमोद जी, 2022 नया शुरू हुआ है, तो सबसे पहले है जो ऑडियंस है, हमारे आस्था वाले भी यहाँ पर बहुत देखने वाले हैं ये इस वीडियो को, एंड आई वॉन्ट एवरी आस्था, यू नो सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, so many followers of Aastha, I want you all to first focus on your health. और मुझे personally एक अनुभव आया था जब हमारे जो सितारे हैं, pillars हैं, जैसे प्रसाद परोड़ेकर का मैंने नाम लिया, he was actually detected with diabetes and he underwent the treatment from Dr. Pramod Tripathi ji, and absolutely wonderful results, and hence I really wanted to meet you. I wish I can meet you personally one day. And let's online hug ही लेते हैं, यहाँ पे hug हो जाए। yes जरूर जरूर online, so please 2022 के लिए आप क्या advice या क्या ideas है आपके पास health के लिए? सबसे पहले तो 2022 जस्ट शुरू हुआ है, अभी भी नयापन का क्या उसे कहते हैं एहसास है। 31 दिसंबर को किसी ने बड़े पता नहीं कौन से होशो हवास में, लेकिन कुछ रेजोल्यूशंस बनाए रहेंगे कि इस साल तो मैं जल्दी उठूंगा, और इस साल तो मैं 10 किलो वजन कम करूंगी, इस साल मैं डिसिप्लिन रहूंगा, अच्छे से खाऊंगा, जिम जाऊंगा,
कुछ कुछ लोगों ने जाके जिम में पैसे भी भर दिए रहेंगे शायद, अभी ठीक है ओमाइक्रॉन का है जमाना तो शायद नहीं, बट हर साल का एक ये क्या उसे कहते हैं, पहले 10 दिन में 15 दिन में सबसे ज्यादा डोनर्स, क्या कहा मैंने, डोनर्स, डोनर्स सबसे ज्यादा डोनर्स जिम मेंबरशिप के पहले 10-15 दिन में मिलते हैं सारे जिम वालों को, क्योंकि वो आते हैं एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए, फिर कुछ करते हैं थोड़ा कार्डियो थोड़ा वजन, और फिर वो मेन मैसेज यही है नया साल है नई चीजें करनी है, लेकिन क्या करनी है समझदारी से करें। अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू चल रहा था यूके के महारथी थे अक्षय सावंत जी, 83 kg से 65-66 पे आए हैं, 2012 से गोली थी बंद हुई है, 108 सूर्य नमस्कार किया है, जिम भी कर रहे हैं, और बोले थे 2 घंटा डायबिटीज होने के पहले 2 घंटा कार्डियो कर रहा था, 2 घंटा कार्डियो कर रहा था लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो रहा था। तो 2022 के लिए हेल्थ टिप पहले ये दे रहा हूं कि अगर सही में आपको हेल्दी बनना है तो सबसे पहले एक प्रॉपर गोल तो जरूरी है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल गोल 2 महीने का ही ले लो, साल भर का मत लो, लेकिन जो गोल है उसको सपोर्ट करने के लिए जो दिशा है वो सही पकड़ो, क्योंकि कुछ कुछ लोग जोश में आके सुबह सुबह चलना शुरू करेंगे, कुछ कुछ लोग जोश में आके रनिंग शुरू करेंगे, वो थोड़े दिन में थकने वाले हैं, किसी को कुछ इंजरी हो जाएगी रुक जाएगा। कार्डियो करने से वजन कम नहीं होता है, अगर वजन कम करना है तो डाइट में चेंज करना पड़ेगा पहले। ओके, और मेरी इच्छा है कि सब लोग इस साल में अच्छा गोल बनाए, patlikamar.com बहुत अच्छा गोल होता है, patlikamar.com होता है, अपनी हाइट के आधे कमर लेके आओ बस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर डायबिटीज है बीपी है कोलेस्ट्रॉल है ये सबसे दूर रहना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सीखना पड़ता है, अभी वो थोड़ा हेवी ड्यूटी हो जाएगा, वो आराम से बाद में कभी देखेंगे अपने और सेशंस भी होने वाले हैं, लेकिन सिंपल टिप वजन नापो कमर नापो हाइट नापो। ओके, 5'8" हाइट है 68 इंच हाइट है तो कमर 34 इंच के अंदर लाने का पहला गोल रखो, और सबसे पहला दिशा पकड़ना है डाइट सुधारने का, एक्सरसाइज बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे जी, प्लीज एक्सरसाइज के पीछे पहले मत पड़ो, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ज्यादा भूख लगेगी, ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है। मैंने मैंने देखा है प्रमोद जी बहुत बार, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे सामने घर के सामने एक ग्राउंड है और लोग एक आधा घंटा 45 मिनट की वॉक करते हैं, फिर जाके ना मस्त वड़ा पाव इडली सांभर बड़े बड़े, हाँ क्योंकि भूख लगी अभी, तो एक्चुअली इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। और वो भी नहीं, हक के साथ खाते हैं, मैंने एक्सरसाइज की, हाँ मैंने एक्सरसाइज किया तो और हक उनको लगता है कि नाउ अभी आई हैव अ राइट, मुझे लाइसेंस मिल गया, मुझे लाइसेंस मिल गया, और फिर बस धरे के धरे रह जाते हैं वहीं के वहीं। तो प्लीज सही एक्सपर्ट के साथ जुड़ो, सही दिशा लो, मेहनत करो ना, सही दिशा में करो, फाइनेंस का भी वही हाल है ना, राइट, सही दिशा मिलना बहुत जरूरी। और जो भी FFDNs है जिनको अच्छा हेल्थ तो मिला है, जिनको अच्छा फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, वो भी आपकी बात सुने, तो ये मेरे थोड़े चंद शब्द के बाद आप भी फाइनेंस के हिसाब से क्या टिप्स देना चाहते हैं प्लीज। कहते हैं ना कि अगर आपको हेल्दी होना है तो हेल्दी इंसान से एडवाइस लीजिए, और अगर वेल्दी होना है तो वेल्दी इंसान से एडवाइस लीजिए, और वो वेल्दी इंसान कैसे बना वो तो बहुत बढ़िया स्टोरी है, मैं मेरी स्टोरी तो जरूर सुनाऊंगा। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, वन रूम किचन हमारा हुआ करता था, कॉमन टॉयलेट्स हुआ करते थे, वहां से आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, आई नो इट्स बीन अ वेरी वेरी हार्ड टफ जर्नी बट वेरी फ्रूटफुल एंड फुलफिलिंग जर्नी, तो जरूर कुछ बातें कहूंगा सभी सभी को। देखिए हेल्थ और वेल्थ की बात हो रही है और जैसे कहा कि दो पहिए हैं लाइफ के, बट फॉर अ गुड लाइफ हेल्थ इज अ नेसेसरी कंडीशन एंड वेल्थ इज अ सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन जैसे आई ट्रूली ट्रूली बिलीव कि आज की दुनिया में हेल्थ है तो वेल्थ है, यू नो हैप्पी हेल्दी लाइफ कैन लीड टू अ प्रॉपर वेल्दी लाइफ। सो ये वेल्थ है तो हेल्थ है बोल नहीं सकते, प्रोवाइडेड हाउ दिस वेल्थ इज बीइंग जनरेटेड। तो मैं हमेशा कहता हूँ यू नो एट द एंड ऑफ द डे मजा आना चाहिए। मैं हमेशा एक होमवर्क देता हूँ त्रिपाठी जी कि
सोने के पहले आप जरूर मजा आ गया ये बोल के आपकी आंखें बंद करो. यू नो वेदर हाउ द डे हैज बीन इट डजंट मैटर, वेदर आपने कुछ प्रॉफिट किया है लॉस किया है, किसी ने बॉस ने किसी कुछ आपको बोला है, इट डजंट मैटर एट ऑल. जस्ट से मजा आ गया और आंख बंद करो. और ये होमवर्क में हमारे स्टूडेंट्स को आखिरी सांस तक देता हूँ ताकि आप जब आखिरी सांस लो और जब छोड़ने से पहले मजा आ गया बोलो, स्माइल करो और बाद में छोड़ दो दुनिया ताकि जो लोग देख रहे हैं आपको सोचे अरे यार मस्त हंसी हंसी एंजॉय करके जा रहे हैं तो इट्स गुड. मेरा एक एडवाइस रहेगा 2022 के लिए, जैसे हेल्थ के लिए लोग प्रोविजन करते हैं वैसे वेल्थ के लिए प्रोविजन करो. वेल्थ तो मेरा पहला तो सवाल है सभी को कि आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि डू यू रियली हैव अ कैरेक्टर दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ वेल्थ, यू नो विच यू कैन मेक, विच यू कैन सस्टेन एंड विच यू कैन ग्रो, यू नो. सो अगर उसके लिए कैरेक्टर की जरूरत होती तो क्या आपके पास वो कौशल्य है, वो कैरेक्टर है एक कि आप वो वेल्थ बनाओ और उसे सस्टेन कर पाओ. और मार्केट्स, आई एम अ फाइनेंशियल मार्केट पर्सन, देर इज रिस्क बट इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क. लोगों के बहुत सारी गलत फहमियां हैं यहाँ पर कि इट्स अ गैम्बलिंग या इसमें लोगों के लॉसेस ही होते हैं, विच इज ट्रू डॉक्टर जी. 95% पीपल लूज मनी इन द मार्केट्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर. 95% एंड एक इफेंडो करके मार्केट है उसमें तो 98% तक ये नंबर जाता है और सारे ब्रोकर्स का भी स्टैटिस्टिक्स है. ओह माय गॉड. लेकिन जो 2-5% लोग पैसा कमाते हैं दे अर्न वॉट एवर ऑल दिस 95% लूज. सो यस देर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड एंड ऑब्वियसली अगर कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा. तो अगर आपको रिस्क ही लेनी है और किसी नई दुनिया में कदम रखना है जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स हो तो आप एक प्रोविजन कीजिए. तो मेरी सलाह रहेगी जो नए नए हैं या अभी अभी शुरुआत की है या कोविड जनरेशन में ना बहुत सारे लोग आ गए मार्केट की तरफ ताकि घर पे बैठे थे तो कुछ नया पैसिव इनकम जनरेशन का सोर्स मिले. तो मैं कहूंगा कि 33% ऑफ योर टोटल वेल्थ करंटली यू कैन प्रोवाइड फॉर दिस प्रोफेशन क्योंकि देर इज अ रिस्क और वो रिस्क अगर प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हो सकता है एंड देन यू सी वेदर यू कैन डेवलप वी कैन ग्रो दैट वेल्थ. तो बस 33% तो कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है तो 33% पहले इसमें डालने का सोचे, ये बता रहे हैं. परफेक्ट. या किसी के पास अगर 1,00,000 रुपए है या 10,00,000 रुपए है तो उसके 33% ही कैन प्रोवाइड फॉर बिल्डिंग वेल्थ फॉर दिस. सेविंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या अर्निंग, मतलब इस महीने में सपोज मेरा रेवेन्यू है एज अ बिजनेस ओनर या मेरा सैलरीड हूं और मुझे 1,00,000 रुपया अर्निंग होता है तो 1,00,000 का 33% करूं या मेरा जो सेविंग्स है पिछले 8-10 सालों का उसका 33%? पिछले 8-10 सालों का जो आपका इन्वेस्टेबल कैपिटल है. अच्छा. उसका 33% आप एक इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग प्रोफेशन के लिए रख सकते हैं और देन यू कैन लुक टू ग्रो दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टू हायर लेवल क्योंकि मार्केट्स बहुत बढ़िया रहे. कोविड के बाद एक बड़ा बॉटम हुआ मार्केट का और एक उछाल आया और मार्केट हैज बीन इन अ बुल रन सो टू स्पीक. और अभी आगे जाके मुझे ऐसा लगता है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 1-1.5 साल में हमने मार्केट देखा है वैसे शायद मार्केट नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव होते रहेंगे लेकिन वही एक अपॉर्चुनिटी होती है जो स्किलफुल होता है ना इस मार्केट में उसे उस उतार चढ़ाव में प्रॉफिट्स करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है. लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कैरेक्टर की जरूरत है, एक स्किल की जरूरत है. तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा स्टॉक, अगर आपको किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए. यू आर द बेस्ट स्टॉक इन द वर्ल्ड. क्या बात है, बहुत बढ़िया. एंड डेवलप द स्किल एंड बिकम अ कैरेक्टर दैट रियली डिजर्व्स दैट सक्सेस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. सो दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर. एंड यस स्टार्ट विद 33%. That's an idea I would like to give. And then as you grow and as you grow in confidence and maturity, then you can increase that amount to maybe another 33% and so on. Dr. Saab, Abdul sir ki ek visheshta bataunga. Abdul sir ki jo sanstha hai, Abdul Sathe Trading Academy, ye aaj vishwa vikhyat hai aur ek shabd hai jo logon ke dil ke kareeb hai, dil ko chhu jati hai, ki wo finance market mein sanskaron ki baat karte hain. क्या बात. मैं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर संस्कारों के बारे में, संस्कारों का पैसों से क्या संबंध है सर? संस्कारों का पैसों से ही संबंध नहीं है, संस्कारों का संबंध है सर्वाइवल से मेनली. सी फॉर विनिंग यू नीड एन एटीट्यूड बट फॉर सर्वाइवल यू नीड अ संस्कार. और जो हमें और किसी भी नई दुनिया में कदम रखने से पहले आपको संस्कारों की जरूरत होती है. जैसे इस दुनिया में धरती में आने से पहले गर्भ संस्कार हुए थे और प्रमोद जी जब सब जाएंगे तो अंतिम संस्कार भी होंगे
वो तो इनएविटेबल है। तो किसी नई दुनिया में जाने, गृह संस्कार क्यों है, क्योंकि हम घर के बाहर कदम रखे तो कैसे बर्ताव करें। तो वैसे हम हमेशा स्टॉक मार्केट संस्कारों की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल पहला हम देखा जाता है, इंस्टेड ऑफ विनिंग। विनिंग के लिए एक एटीट्यूड की जरूरत है। सो यस, एंड वही संस्कार अगर अच्छे हो तो हेल्थ भी हो सकती है। एंड जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि डाइट पहले कंट्रोल करें, आई हैव एक्सपीरियंस इट वेरी नाइसली, क्योंकि जब मैंने डाइट पे कंट्रोल किया, कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक एक हफ्ता कभी एक हाथ दूसरा दिन एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज होता भी नहीं है समटाइम्स, यू नो बहुत बिजी हूँ ऑफसाइट में हूँ। सो लेकिन डाइट कंट्रोल है तो वेट कंट्रोल है, वेट कंट्रोल है तो सब कुछ है। आई थिंक मैं अभी जाके आपने जो दिया था ना कि कमर पतली कमर .com, सो आई एम गोइंग टू चेक एंड डेफिनेटली आई एम 32 inch, सो प्रेटी मच इन कंट्रोल आई गेस। या बहुत अच्छी बात। और एक बात आपने जो कही सही, वो कैरेक्टर की होती, और कैरेक्टर मैं मैग्नेट की तरह देखता हूँ। एक आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपकी जो भावना है, और आपके आसपास जो ऊर्जा बन जाती है उसकी वजह से, वही सब कुछ है। क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब मनी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, वो कंटेनर जो है, कंटेनर बड़ा करो आएगा बड़ा माल। ओके, मतलब और जितना बांटोगे उतना मिलेगा। बहुत कुछ अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से सीखी है। और सुबह आज टॉक टॉक ट्यूसडे पे वही था कि अगर नए साल में कुछ करना है हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज नहीं, हेल्थ वाइज, तो मैंने ये कैरेक्टर वर्ड यूज नहीं किया था, मतलब मैग्नेट, मैग्नेट बनाओ, गोल ऐसा करो जो देख सको, सुन सको, फील कर सको, कि 2-3 महीने में आईने के सामने कैसे रहोगे, क्या रहोगे। क्योंकि जो बाकी की मेमोरी है अपनी, वो बहुत छोटी है, 20 seconds बोलते हैं, गजनी मेमोरी, राइट। तो वो थोड़ी देर के लिए याद रहता है कि मेरे को 10 किलो कम करना है, लेकिन जब आप वो गोल को एक कैरेक्टर में डाल देते हैं, मतलब एक मैग्नेट में डाल देते हैं, एक विजुअल में डाल देते हैं, उसको फील करते हैं कि अरे यार ये करना है, मुझे हो जाना है, यही हो जाना है, और उसके ऊपर जब आप अभी 33% आप यहाँ पे लगाओ, हम बोलेंगे चलो 25% खाना खाओ, मतलब 25% अनाज खाओ, 25% दाल खाओ, 25% सब्जी खाओ, 25% सैलड खाओ, 25% माल खाओ, एक एक टाइम पे अपने आप थोड़ा सा कैलोरी कम हो जाएगा, थोड़ा वजन कंट्रोल में आ जाएगा, और अच्छा गोल बना के अच्छा। I really remember one thing, you know, क्योंकि मेरी बीवी हमेशा ये कहती है कि अगर आपको वजन कम करना है आपको, लेकिन यू डोंट हैव टू यू नो टॉर्चर योर बॉडी, तो टेस्ट करना, एक लड्डू है तो थोड़ा लड्डू, मतलब 1/4 लड्डू ऐसे खाओगे जैसे पूरा लड्डू खा रहे हो, उतना समय लेके शांति से खाओ तो मजा भी आएगा, धीरे धीरे खाओगे तो वो ब्रेन को भी पता चलेगा कि अरे आई एम एंजॉइंग दिस, एंड देन आपका परफेक्ट है 25% खाओ, तो अगर कुछ सामने आता है तो उसका 25% खाओ। नुस्खे शुरुआत में काम आते हैं, एंड में तो हम डायरेक्टली 6 जलेबी खिलाते हैं, 2-4 लड्डू खिलाते हैं, वो बाद की बात है, वो थोड़ा सा ना प्लानिंग, हाँ थोड़ा प्लानिंग, पहले थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जाके कंट्रोल करके, फिर धीरे धीरे फिर गाड़ी पूरी खुलती है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, एक बहुत ही इमोशनल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो लाखों करोड़ों हमारे देशवासी हैं। देखिए, हम जानते हैं डायबिटीज ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया है ना, देश के हेल्थ का नुकसान किया है, लेकिन ये भी सच है ना डॉक्टर साहब कि कोई नहीं चाहता कि उसका हेल्थ खराब हो जाए, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारना चाहता, फिर भी लेकिन उसके हेल्थ की बैंड बज रही है, तो उसको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो ना दवाइयां खाते खाते जिए और दवाइयां खाते खाते मरे। ये बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल सवाल है डॉक्टर साहब, और करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा, प्लीज एड्रेस। हाँ, तो ये एक सवाल नहीं है, इस सवाल के अंदर कई सारे सवाल है। क्योंकि अगर आपको सही में डायबिटीज से रिवर्सल पाना है, मुक्ति पाना है, तो एक एक सफर से गुजरना कर पड़ता है आपको, और इसकी शुरुआत होती है एजुकेशन से। एजुकेशन में खुद को समझना पड़ता है कि बाबा ये बीमारी आई क्यों, मैं तो पिज्जा हट, मैकडोनाल्ड, कोका कोला, पेप्सी को खाता पीता हूं नहीं, घर का खाना खाता हूं, करेक्ट, थोड़ा बहुत वॉकिंग भी कर लेता हूं, तो प्रॉब्लम क्या है। सारे लोगों को पहले आराम से सीखना है कि प्रॉब्लम क्या, एजुकेट करना है। फिर एजुकेशन में जो मेन चीज होती है वो है, जैसे patlikamar.com बात हो रही थी, वो एक चीज है, वैसे इंसुलिन अवरोध की बात होती है, इंसुलिन कैसे काम करता है, ग्लूकोज कैसे काम करता है सीखना पड़ता है, उसके कारण सीखो।
फिर धीरे धीरे आप आहार व्यायाम पे काम शुरू करो, मन में परिवर्तन लाओ, फिर आगे आगे गाड़ी चलती है। तो एक सफर है वो जो आपको तय करना पड़ता है। उसके लिए आप चाहे तो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता है बढ़िया, 2 घंटे का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं 3-1 घंटे के, वो ज्वाइन कीजिए ताकि अच्छे समझ में आए। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ऐसा वो ये नहीं है कि बस हाँ 1-2 चीजें कर लो, एक करेला खा लो हो गया, ठीक, भिंडी खा लो हो जाएगा, यू नो। कुछ कुछ लोग पैर में करेले को मसल रहे हैं, कुछ कुछ लोग अतरंगी चीजें चलती हैं, तो ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से आई ये बीमारी, क्यों घुसी मेरे अंदर, उसका निवारण क्या है, और फिर वो मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी होगा काम। 11,000 से ज्यादा लोग फ्री है अपने पास, 11,000 से ज्यादा, तो अनुभव से बोल रहे हैं ये जवाब। यस, इन्वेस्ट टाइम, आपने कहा इन्वेस्ट टाइम, तो इन्वेस्ट टाइम मतलब गिव टाइम। यस, इन्वेस्ट टाइम, एजुकेट योरसेल्फ, मेक चेंजेस ग्रेजुअली, बी इन सपोर्ट विद अ प्रॉपर टीम, नो योरसेल्फ, नो योर बॉडी एंड नो योरसेल्फ, नो योर बॉडी, बिकॉज़ एवरी बॉडी इज डिफरेंट, आई थिंक, राइट? यस यस, एब्सोल्युटली, एंड इट रिएक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम इन डिफरेंट सिचुएशंस। या वेरी ट्रू, सो नाइस। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर अब्दुल सर के पास आएंगे। इतने सालों का जो आपका तजुर्बा है, और देश विदेश से लोग आते हैं, आपका ये फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज प्रोग्राम करते हैं, 90 कंट्रीज, सो मेनी कंट्रीज, 90 कंट्रीज, वाओ, सेंचुरी मार दें आप इस साल में, ये दुआ करते हैं ईश्वर से। थैंक यू, क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो आपको ना बहुत ही दिल को दर्द पहुंचाती है, यार ये आदमी समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं, और वो नुकसान उन्हीं का होता है, ऐसा कुछ है क्या पेन एरिया आपके लिए कि आप इतना करने के बाद भी हो नहीं पा रहा? समझते हैं, लेकिन जिस तादाद में मैंने सोचा था 2015-16 में वो अपनाया जाए, वो तादाद में नहीं कर पाया, वो दुख करता है मुझे। मेरी इच्छा थी, गांधीयन थॉट था, किस गांधीयन थॉट ये था कि सुबह सुबह घर घर में ना गैस स्टोव चालू होता है, और उसपे वो बनती है अमृत तुल्य चाय, और उसकी जो महक है वो इंटॉक्सिकेटिंग, मतलब नशे वाली होती है, एकदम डेंजर। ओके, मेरी इच्छा थी कि सुबह सुबह अगर गैस स्टोव चालू होने की जगह पे अगर मिक्सर चालू हो जाए और लोग ग्रीन स्मूदी पिए, और अगर ये घर घर में परिवर्तन आए, तो बहुत बड़ी तादाद में इस देश में एक्चुअल रिवर्सल का अनुभव होगा, नॉट ओनली डायबिटीज बट बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, थायराइड, ये सब जुड़ी हुई बीमारियों से, ठीक है ना? तो वो एक चीज है, अभी भी वो जुनून है, वो भी इच्छा है कि घर घर में ग्रीन स्मूदी शुरू हो, चाय के पहले या बिना चाय के, और लोगों को सही में अनुभव से पता चले कि अच्छी सेहत कैसे पा सकते हैं। तो ये एक है चीज जो मेरे दिल में रहेगी और हमेशा रहेगी। क्या बात कही प्रमोद जी, एक्चुअली आई ऑल्सो गॉट बैक, मतलब आई वॉज हेल्दी ऑलवेज, बट आई गॉट अ बेटर, आई गॉट इन टू अ बेटर हेल्थ व्हेन आई लेफ्ट माई टी, यू नो, एंड रिप्लेस्ड इट विद समथिंग एल्स। ऑब्वियसली मैं स्मूदी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चाय जो छोड़ने की आप बात कर रहे हो, बहुत मैं एग्री करता हूँ इससे। इट इज बेसिकली वी आर टेकिंग इन टॉक्सिन्स। यस यस, और जो पहली बार सुन रहे हैं थोड़े डर जाते, चलो यार ये आदमी चाय बंद करने को बोल रहा है, ये आदमी नहीं चाहिए मुझे, ये होता है। मेरा रिक्वेस्ट ये है, अरे जिंदगी भर की बात नहीं हो रही है, पहले 1-2-3 महीना तो करो, थोड़ा स्ट्रिक्टली करो, तो गाड़ी रिवर्स गियर में तो लाओ, क्योंकि जो करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो जो मिलता आया है वही मिलता रहेगा। नया साल है, नया साल में नया क्या कर रहे हो, नया शुरू करो। बैनर भाइयों, देखिए डॉक्टर साहब ने, मैंने तो लिखे हैं 5 पॉइंटर्स दिए हैं आज और नए साल के लिए। सबसे पहला जो दिल को छू गई डॉक्टर साहब, वो है patlikamar.com। ये मिशन होना चाहिए हर किसी का, और एजुकेशन के साथ इन्वेस्ट करें अपना समय अपने सेहत को ठीक करने के लिए, और सबसे जरूरी बात, अच्छे टीम के साथ रहें। अब्दुल साठी ट्रेडिंग एकेडमी के बारे में भी हम कहते हैं कि अच्छे टीम जो आपको संस्कारित करते हैं उनके साथ रहें। और डॉक्टर साहब, एक बात तो जो आपने कही लाजवाब, कि हर घर में गैस स्टोव की जगह सुबह सुबह मिक्सी शुरू हो जाए और ग्रीन स्मूदी बन जाए, तो देश का सेहत जो है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये फरिश्ते हैं, और कौन कहता है कि फरिश्ते आसमान से आते हैं। आंखें खोलो और देखो,
फरिश्ते तो इसी जहां से आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच। अब्दुल सर, यस, आप आपके पास लोग आते हैं, लाखों लोग, हजारों लोग सीखने को आते हैं, कितने ने आई ओपनर किया आपका? एक इम्पोर्टेंट नहीं रखे है बट आई थिंक 25-30-50 हजार तक तो होंगे शायद, 50,000 प्लस मे बी। और मैंने देखा है आपको, मैं आपकी जर्नी इतने सालों से देख रहा हूँ कि आप टिप्स देते, आप टिप्स के बिल्कुल खिलाफ है, आप टिप्स नहीं देते हैं फिर भी सैकड़ों गुना टिप्स दे देते हैं, ये आपकी खासियत है। आप टिप्स बिल्कुल नहीं देते लेकिन 100 times टिप्स देते हैं। हर सेशन में आप कुछ ना कुछ देते हैं जिससे लोग बहुत पैसा बनाते हैं, और लेकिन आप स्क्रीन के सामने आके बोलते हैं कि मैं टिप्स नहीं देता और देने वाला नहीं हूं, और बोलते आईबीआई खरीदो, और बोलते आईसीआईसीआई से खरीदो, और वो ऐसे धड़ल्ले से दौड़ती है वो स्क्रिप्ट और लोग पैसे बनाते हैं। तो कोई टिप इस साल के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है सर आपने पिछले साल टिप दिया था, मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि पिछले जुलाई में, यानी 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब, 12 महीने हो चुके हैं, पिछले जुलाई में डॉक्टर साहब अब्दुल सर ने एक टिप दिया था, तानला प्लेटफॉर्म का स्टॉक ले लेना जो 100 रुपए में था, और वो जुलाई से अभी दिसंबर के बाद जनवरी आ गया है, 20 गुना बढ़ गया, 20 गुना, 100 रुपए की स्क्रिप्ट 2000 के ऊपर है आज। और अब्दुल सर कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन गिविंग टिप्स, सर प्लीज, और इस साल के लिए कुछ है क्या ये बताएं आप? ओके, मुझे आई थिंक हाँ, मैं मुझे अभी याद है यूट्यूब लाइव में मैंने जरूर उसका जिक्र किया था, और मैंने वो बाय किया था, और मैं जस्ट मैंने टिप नहीं दी थी ऋषि जी मैंने टिप नहीं दी थी, मैंने सिर्फ बताया था कि मैंने क्या बाय किया है। और वैसे ही मैंने दो साल पहले जो हमारा मुहूर्त था जब कोविड सिचुएशन ही थी, तभी हमने लाइव मार्केट सेशन में मुहूर्त ट्रेडिंग में भी मैंने टाटा स्टील का जिक्र किया था, और वो भी काफ़ी ऊपर गया था। और इस समय भी मैं ना मुहूर्त ट्रेडिंग जब हुआ था दिवाली में, आई हैड मेंशन्ड अबाउट वन स्टॉक वेब सोलर, एंड दैट हैज काइंड ऑफ डबल्ड ऑलरेडी यू नो सिंस नवंबर। तो लेकिन ये टिप नहीं है, और चलो एक डॉक्टर साहब को भी जरा हम हमें भी वो नई टिप वाली टिप चाहिए साहब, ये ऑफिशियली टिप नहीं है लेकिन टिप से कई गुना बढ़कर काम करती है, दिस इज नॉट टिप, लेकिन आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच आई हैड मेंशन। अभी आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं डॉक्टर जी, और ये है ये महीने का, अगर ये महीने का मैं कैंडल दिखाऊं तो इस महीने में ये स्टॉक 68 रुपीज से लास्ट महीना दिसंबर में करीब करीब 160 रुपीज गया है, और इसी स्टॉक का मैंने जिक्र किया था नवंबर में व्हेन द स्टॉक वाज समवेयर हियर, इट वाज समवेयर हियर, यहां पर वो स्टॉक था, अच्छा 70 रुपीज के करीब, ओके ओके। और फिर दिसंबर मंथ में, ये दिसंबर महीने का कैंडल है, तो ये has gone up almost to 156 now, but this is not a tip, again I don't believe in tips, aur jo stock Rishi ji keh rahe hai wo hai Tanla Solutions, not every stock has worked like this, but this was again one of the stocks which was there here in July, this was in the month of July, this was July 2020, and it has gone all the way to 2000 rupees. Wow. So ye ek abhyas hai pura, एक तंत्र शुद्ध कहते हैं ना, एक साइंटिफिक अप्रोच है, एंड लॉट ऑफ पीपल बिलीव दिस इज अ गैम्बल, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गैम्बल, एंड माय ट्रेडिंग इज एक्चुअली ऑन, सो काफी सारे मेरे ट्रेड्स ओपन है, एंड आई हैव मेड डिसेंट प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 33 लाख टुडे, ओके इन जस्ट अ डे, सो पीपल वापस लोगों को रजिस्टर होना चाहिए, 33 लाख इन वन डे, इट समटाइम्स इट कैन बी मोर, यस्टरडे इट वॉज मच मोर देन दैट। Wow. लेकिन मैं ये इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी जरूरतें बहुत कम है, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास एक कौशल्य आए तो ना, क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ी थी एग्जावेयर की, तब मेरी जो सैलरी थी एक साल की, वो कभी कभी वो पूरी साल की सैलरी में एक दिन में भी कमा लेता हूँ, बट फॉर दैट आई हैड टू एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, लर्निंग द स्किल, and then I have come to a level where my money, not only you know I have become financially secured, but ek money story bhi bahut improve ho chuki hai. Ek samay tha doctor jab samne screen ke samne 5 lakh rupaye ka profit dekha tha, and I was ecstatic in a day, single day 5 lakh, I was like are I was on the top of the world, and hamari jo suman hai wo gawah hai use, she was right with me at that time. Lekin aaj kuch aisa hota nahi, no excitement, nothing, kyunki kya leke jana hai, kya leke aaye the,
और एक सपना है, वो सपना पूरा करना है, एक यूनिवर्सिटी बनानी है, और इसके लिए सब चल रहा है ये काम। एंड यस, हम जरूर और बातें करेंगे। तो ऋषि जी, नो टिप, आई डोंट बिलीव इन टिप, क्योंकि अगर आप बोलते हैं ना कि इफ यू गिव अ फिश ऑन अ प्लेटर यू कैन मेक अ डे, बट इफ यू टीच हाउ टू फिश, सो आई रियली वुड लव टू टीच यू हाउ टू फिश और हाउ टू फाइंड सच स्टॉक्स यू नो विच कैन गिव यू मल्टीपैगर रिटर्न्स। एंड नॉट ओनली दैट, अगर मार्केट गिरे भी ना प्रमोद जी, अगर मार्केट गिरता भी है तो भी प्रॉफिट्स करने की अपॉर्चुनिटीज होती है, उसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। सो लास्ट मार्च में जब मार्केट गिरा था तो हमारा एक 12 वर्षीय लड़का था और उसकी माँ, उसने भी मोर देन 13 लाख दे मेड इन अ सिंगल मंथ, यू नो व्हेन द मार्केट्स वाज फॉलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यस ऋषि जी, टिप एक ही है, डेवलप द स्किल एंड बिकम अ कैरेक्टर दैट डिजर्व सक्सेस। सो अपने आप को एजुकेट करो, जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि एजुकेशन एजुकेशन प्लस अंडरस्टैंड हाउ, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई डायबिटीज होता क्यों है। मैं कुछ बर्गर नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, फिर भी डायबिटीज होता है। आई थिंक कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है डॉक्टर जी, कि स्ट्रेस की वजह से, और फिनेंस कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर हैविंग स्ट्रेसफुल लाइफ। तो अगर वेल्थ है और पीसफुली वेल्थ है तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, फिर मस्त शांति से, और एंड देन वो एक एक एक, एक जगह की भूख दूसरी जगह निकलती है। सो अगर वेल्थ की भूख नहीं जाती मिटती, तो फिर भूख खाने पे निकलती है। सो ऐसा भी हो सकता है, आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, क्योंकि सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आई थिंक बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर जी आपसे, एंड आई विश टू हैव मोर सच सेशंस विद यू। बिल्कुल जी, एंड बातें करते रहेंगे, लगे रहेंगे। या एंड दैट विल रियली हेल्प द एंटायर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, यू नो, गेटिंग फाइनेंशियल एडवाइस एंड हेल्थ एडवाइस, बोथ आर सो इंपॉर्टेंट। अब्दुल सर की जो बातें आपने सुनी दोस्तों, संस्कारों पर जोर है, संस्कार चाहिए कौशल्य के लिए, और डेवलप द स्किल एंड कैरेक्टर दैट डिजर्व सक्सेस। ये दो महामंत्र ये हाँ ऋषि जी, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक गॉड है, भगवान है हमारे लिए। और मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि अनलेस यू हैव अ गुड डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर, यू नो, हु हैज लॉट ऑफ पेशेंस, हु हैज कंपैशन फॉर अदर्स, हु इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, अगर आप एक मार्केट के बंदे हो, एक भक्त हो, तो ही आपको सक्सेस मुमकिन है। तो एक मार्केट के बंदे बनो, भक्त बनो, एंड बिकॉज मार्केट इज गॉड फॉर अस, एंड इट कैन नॉट ओनली गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इट कैन नर्चर यूर जीनियस, यू नो, एंड वेन यूर ईगो राइजेस इट कैन इवन डिस्ट्रॉय यूर ईगो। ओके, क्योंकि एक झापड़ भी मार्केट दे सकता है, और आप अगर ऊंचे, अब आपने, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने एक दिन में प्रमोद जी 70% कैपिटल खोया था 2008 में। सो उससे मैं बहुत सीखा, मार्केट भगवान है। Wonderful. Dr. Sam, it was great discussing, chatting and giving so much information to millions and millions of audience around the world. Brainer bhaiyo, bahut gyan ke baatein hui, aur har do hafte mein aisa ek session hone wala hai. Ye health genius aur financial markets ke ustad jo hain, ustad matlab one who has attained that kind of, you know, peak. Ye log aayenge saath mein discuss karenge aur aapko bahut sari tips denge. Zarur, zarur. I would love to Rishi ji. And I want all our students, all our followers to just go and visit Dr. Ji ki website hai aur jaake dekhiye, you know, get back your health. Because if you are healthy, wealth to aayegi bhaiya. Health hai to wealth hai. So if you are healthy, wealth aayegi. Tuesday ka aapne kuch program kaha tha. I think you are live on YouTube, or Tuesday aapne kuch jikr kiya tha na. Saturday ko 8:00. Achha. Dr. Pramod Tripathi.com jayenge. तो पूरा डिटेल सबको मिल जाएगा। श्योर, एंड वी आल्सो डू लॉट ऑफ आई ओपनर्स वेयर यू नो वी गिव मोर इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड मार्केट्स बेसिक से लेके दिस इज नॉट गैम्बलिंग। सो लॉट ऑफ मिथ्स आर बस्टेड ड्यूरिंग दैट सेशन, उसे हम आई ओपनर कहते हैं। सो यस ऑडियंस, प्लीज डू विजिट द वेबसाइट्स एंड फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ऋषि जी, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ ग्रेट ग्रेट एंकर, यू नो आई जस्ट लव यू यार ऋषि जी। थैंक यू सो मच बैनर भाइयों, जाने से पहले एक शेयर जरूर होना चाहिए। हाँ, जाते जाते बैनर भाइयों, ऐसा शो आपको इस पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। हेल्थ का जीनियस और वेल्थ का जीनियस एक साथ आपके हाथ पकड़ कर आपको कामयाबी की ओर ले जाने चाहते हैं, लेकिन इन दोनों की बातों में एक चीज कॉमन है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया डॉक्टर साहब अब्दुल सर, बहुत मजा आया और लाखों करोड़ों लोगों को ये आनंद मिलेगा इस बात के साथ. लेट अस एंड दिस शो. थैंक यू सो मच ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ब्लिसफुल 2022. वेरी हेल्दी एंड वेल्दी 2022. हेल्दी वेल्दी हैपनिंग 2022 टू एवरीवन.